तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट MIUI अपग्रेड की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट MIUI अपग्रेड कौन सा होने वाला है। तो आपको एक बात बता है, MIUI 13 Android 12 पर बेस्ड अपडेट्स बहुत सारे डिवाइसेस के लिए यहाँ पे रिलीज़ हो चुके हैं और MIUI 13 Android 11 पर भी, क्योंकि कल यहाँ पर MIUI 13 Android 11 पर Mi Note 10 Pro के लिए भी रिलीज़ हो चुका था। उस डिवाइस के लिए Android 12 रिलीज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज़ मेरे हिसाब से देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर वो डिवाइस Android 12 के लिए एलिजिबल ही हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट MIUI अपग्रेड की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट MIUI अपग्रेड कौन सा होने वाला है, उसका हमारा लोगो का स्टाइल कौन सा है, यानी कि हमें 13.5 का लोगो कैसा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे नेक्स्ट MIUI अपग्रेड MIUI 14 नहीं बल्कि MIUI 13.5 होने वाला है, जैसे कि MIUI 12 के बाद यहाँ पे MIUI 12.5 हमें देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर MIUI 13.5 का लोगो जो है वो आपको ये वाला देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको इस वाले लोगो को देखकर एक ही बात याद आ गई होगी कि ये लोगो बिल्कुल MIUI 11 जैसा देखने के लिए मिलता है। तो आखिर MIUI 13.5 के लोगो को MIUI 11 जैसा स्टाइल यहाँ पर क्यों दिया गया है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, MIUI 11 लोगो, MIUI 13.5 लोगो, दोनों लोगो बिल्कुल सेम टू सेम ही हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये लोगो यहाँ पे Xiaomi UI की तरफ से लीक किया गया है। तो यहाँ पर MIUI 13.5 वर्सेस MIUI 11 लोगो, दिस चेंज में बी इंडिकेट ऑफ अ रिटर्न टू द स्टेबिलिटी ऑफ MIUI 11 विद द रिलीज ऑफ द MIUI 13.5 वर्जन। तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स का ये कहना है कि MIUI 11 सबसे बेस्ट MIUI था, MIUI 12.5 में बहुत सारे फीचर्स देने की वजह से यहाँ पर मोबाइल उनका थोड़ा सा लैग हैंग होता हुआ देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर MIUI 13.5 लोगों को देखकर बहुत सारे यूजर्स का कहना है कि MIUI 11 की स्टेबिलिटी हमें फिर से MIUI 13.5 में देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि MIUI 11 का लोगो का जो कलर है वो सेम टू सेम MIUI 13 में हमें देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन जो MIUI 11 के साइड में जो 1 का स्टाइल है वो आपको 13 वाले 1 का देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों स्टाइल बिल्कुल अलग हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन दोनों के कलर बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसका मतलब कि आपको MIUI 13.5 में कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं, उसके साथ ये वाला MIUI वर्ज़न आपको फुली स्टेबल देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाला चेंज यही इंडिकेट करता है कि MIUI 11 की स्टेबिलिटी MIUI 13.5 वर्ज़न में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। और कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि MIUI 13.5 नहीं आने वाला है, डायरेक्टली MIUI 14 ही रिलीज़ किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, MIUI 13.5 भी रिलीज़ किया जाएगा एज अ मेजर MIUI अपग्रेड। तो आप इस बात में बिल्कुल मत रहना कि MIUI 13.5 फेक है, क्योंकि ये वाली लीक यहाँ पे Xiaomi UI ने लीक की है और Xiaomi UI की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 99.99% बिल्कुल करेक्ट होती है, क्योंकि मैंने आपको Redmi Note 10 की भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि MIUI 13 Android 12 अप्रैल के महीने में रिलीज़ किया जाएगा और उसको बिल्कुल अप्रैल के महीने में ही रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन भी 100% करेक्ट है, MIUI 13.5 का लोगो लीक हो चुका है और ये एज अ मेजर MIUI अपग्रेड है। और ये कब तक रिलीज़ किया जाएगा इस बात की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ईयर के एंड तक MIUI 13.5 अनाउंस कर दिया जाएगा चाइना में, उसके बाद जो 2023 में ग्लोबल इंडिया में भी MIUI 13.5 को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन MIUI 13.5 एज अ मेजर MIUI अपग्रेड की। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे YT चैनल पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।